गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पुश डाउन ऑटोमेटा का एक एग्जांपल बताया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सीएफजी के बारे में कुछ बताऊंगा और हम पुश डाउन ऑटोमेटा और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक साथ पैरेलल में पढ़ेंगे। तो मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कुछ इंट्रोडक्शन का और मैंने बताया था आपको कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली एक सुपर सेट की तरह ट्रीट करता है जो रेगुलर ग्रामर होती है उसके लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर ग्रामर इज जस्ट लाइक अ सबसेट ऑफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अच्छा, ग्रामर बेसिकली क्या होती है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में इंग्लिश में, जो आप छोटे रहे होंगे तो हिंदी और इंग्लिश में आपने ग्रामर पढ़ा होगा। बेसिकली ग्रामर को आप कह सकते हैं कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जस्ट लाइक अ प्रोटोकॉल, कि उसकी वजह से उन रूल्स और रेगुलेशंस को अप्लाई करके आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो वी कैन ऑल्सो से दैट ग्रामर इज जस्ट लाइक जनरेटर, तो ग्रामर जनरेट करता है सेंटेंसेस को। अच्छा, टेक्निकली लैंग्वेज में बात करूँ मैं, अगर ऑटोमेटा की बात करूँ मैं, तो ऑटोमेटा में क्या होता है कि हमारे पास इनपुट सिम्बल्स होते हैं, इनपुट सिम्बल्स के कलेक्शन से हम स्ट्रिंग बनाते हैं और स्ट्रिंग के किसी सेट को हम बोलते हैं कि ये लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के लिए हम कोई ना कोई मशीन बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं रेगुलर लैंग्वेज की या रेगुलर ग्रामर की बात करूं, तो रेगुलर ग्रामर जस्ट लाइक अ जनरेटर जो जनरेट करती है रेगुलर लैंग्वेज और उस रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाते हैं, जिसमें हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दो तरीके के ऑटोमेटा हम बनाते हैं। तो ये तो हो गया मशीन मॉडल, और ये किसे एक्सेप्ट कर रहा है, रेगुलर लैंग्वेज को। रेगुलर लैंग्वेज कहाँ से जनरेट हो रही है, रेगुलर लैंग्वेज जनरेट हो रही है रेगुलर ग्रामर से। तो बेसिकली ग्रामर को हम कहते हैं कि ग्रामर बिहेव्स लाइक अ जनरेटर एंड मशीन बिहेव्स लाइक एन एक्सेप्टर, और ग्रामर जनरेट करती है लैंग्वेज को, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है मशीन। तो ये तीन स्टेप में हमारी बात हो जाती है। चलिए, बात कर रहे थे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक चार टपल की ग्रामर होती है और चार टपल में क्या क्या होता है, सिग्मा होता है, कैपिटल एस होता है, कैपिटल वी होता है और कैपिटल पी होता है। सिग्मा हमारा जो इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं, जिसे हम इनपुट सिंबल्स कहते हैं, जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा में या रेगुलर लैंग्वेज में यूज करते थे, उसे हम यहाँ पर हम बात करते हैं टर्मिनल सिंबल्स, टर्मिनल्स की बात करते हैं। तो ग्रामर, कोई भी ग्रामर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इनपुट अल्फाबेट्स को एज ए टर्मिनल ट्रीट करेंगे। कैपिटल एस इट इज अ स्टार्टिंग सिंबल और स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल सिंबल हम इन्हें बोलते हैं। कैपिटल वी बताया था मैंने आपको, ये वेरिएबल सिंबल होता है, ये नॉन टर्मिनल होता है, ये भी नॉन टर्मिनल सिंबल होता है। कैपिटल बी इज अ सेट ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, दिस इज कॉल्ड कैपिटल बी। सबसे इंपॉर्टेंट जो टपल है हमारा वो है कैपिटल पी, दैट इज प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ग्रामर किस टाइप की है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ चॉम्स्की हायरार्की, हमने पहले कभी क्लास में डिस्कस किया होगा, नहीं किया तो मैं अगले वीडियो में आपको चॉम्स्की हायरार्की के बारे में बताऊंगा, हो सकता है मैं इसी वीडियो में बताऊं। तो चॉम्स्की हायरार्की, चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की ने 1956 में एक हायरार्की मेंटेन की और ये बताया कि बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड, उन्होंने ग्रामर को, ग्रामर्स को चार टाइप में डिवाइड कर दिया, टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। यानी कि सबसे पहले जो ग्रामर आई वो टाइप जीरो आई, जिसे हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कहते हैं। फिर उसमें हम कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते चले गए और हम टाइप थ्री ग्रामर तक आ गए, जिसे हम रेगुलर ग्रामर कहते हैं। जैसे कि आप आजकल का माहौल देख रहे हैं, आजकल का जो ये कोरोना का जो माहौल चल रहा है, उसमें क्या स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग हुई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते चले गए। जब तक हम टाइप जीरो की बात कर रहे थे, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, और तो उससे इन्फेक्शन, जो संक्रमण है उसके फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते चले और आज हम किस पोजिशन में, हम आज कंप्लीट लॉकडाउन की पोजिशन में।
यानी कि कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता, कोई भी कहीं किसी से मिल नहीं सकता, किसी के पास जा नहीं सकता, सोशल डिस्टेंसिंग हमें अप्लाई करनी है। तो ये बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते चले गए हैं, तो हम आप ये कह सकते हैं हम इस समय टाइप 3 में कंप्लीट लॉकडाउन। सिमिलरली टाइप 0 से टाइप 3 तक आने में हमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने पड़े और कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम ऐड करते चले गए। टाइप 0 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड किए गए, तो टाइप 1 ग्रामर आई, फिर उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फर्दर ऐड किए तो टाइप 2 ग्रामर आई, फिर हमने और रिस्ट्रिक्शन और रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए तो टाइप 3 ग्रामर आई, जिसे हम रेगुलर ग्रामर कहते हैं और उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हम उससे जनरेट होती है रेगुलर लैंग्वेज, और उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा NFA और DFA बनाते हैं। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम बात करें यहाँ पर टाइप 2 ग्रामर की, दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर थोड़ा सा लिबरल है रेगुलर ग्रामर से, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम है बेसिकली रेगुलर ग्रामर में, रेगुलर ग्रामर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम है टाइप 2 ग्रामर, दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इस तरीके से ये जो चार टपल मैंने आपको बताए, सिग्मा, कैपिटल एस, कैपिटल वी, कैपिटल पी। सिग्मा आपको पता है क्या होता है, कैपिटल एस आपको पता है स्टार्टिंग वेरिएबल है, नॉन टर्मिनल है, कैपिटल वी आपका जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स है, कैपिटल पी आपका प्रोडक्शन रूल है। पहली बात कि जो कैपिटल एस है वो तो ग्रामर में आएगा ही आएगा, स्टार्टिंग सिंबल है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए हम कैपिटल वी को हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। सिग्मा कैन बी एम्प्टी, ठीक है, हमारे पास कोई इनपुट अल्फाबेट सिंबल नहीं है तो हम नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा सकते हैं, नल हमारे पास इनपुट सिंबल हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे हमको पता है कि आपने रेगुलर लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है कि लैंग्वेज रेगुलर कब होती है, ठीक है, अगर एम्प्टी है, फाई है, कुछ भी नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज है। तो यानी कोई भी इनपुट अल्फाबेट नहीं है, कोई भी इनपुट सिंबल नहीं, तो हम टर्मिनल सिंबल जो हमारा सेट है सिग्मा, दैट कैन बी एम्प्टी, बट द कैपिटल वी द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स कैन नेवर बी एम्प्टी, क्योंकि इसमें हमें एक स्टार्टिंग सिंबल वेरिएबल या नॉन टर्मिनल तो हमेशा हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बात करें प्रोडक्शन रूल की, तो प्रोडक्शन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी ग्रामर। तो बेसिकली प्रोडक्शन रूल जो हो सकता है वो हो सकता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ, प्रोडक्शन रूल हमारा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ सपोज अल्फा टेंस टू बीटा। तो हम अभी प्रोडक्शन रूल के बारे में बात करेंगे अच्छे से। ये जो लिखा मैंने अल्फा टेंस टू बीटा, अल्फा लेफ्ट हैंड साइड है, बीटा राइट हैंड साइड पोर्शन है, तो ये अल्फा क्या हो सकता है और बीटा क्या हो सकता है। तो हमने कहा कि ठीक है, अल्फा और ये जो बीच में मैंने एरो बनाया है, इस एरो का मतलब होता है कि अल्फा कैन बी री रिटन एज बीटा। अगर मैं इस एरो की बात करूं तो ये एरो डिफाइन करता है इस कंसेप्ट को री रिटन कंसेप्ट कैन बी रिप्लेस बाय, कैन बी डिनोटेड बाय दिस पर्टिकुलर एरो। तो अल्फा कैन बी री रिटन बाय बीटा, अल्फा को मैं बीटा की तरह भी ट्रीट कर सकता हूं, बीटा की तरह भी लिख सकता हूं। तो ये तो हो गया इस एरो का मतलब। अब इस एरो का भी दो मतलब होते हैं। जब मैं सपोज मैंने कहा कि मैं अल्फा से बीटा तक एक सिंगल स्टेप में पहुंच रहा हूं, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, नहीं अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि अल्फा से बीटा तक अगर मैं केवल एक स्टेप में पहुंच रहा हूं, यानी कि अल्फा की जगह मैंने बीटा लिख दिया, अल्फा अगर कोई स्ट्रिंग है, बीटा भी कोई स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग तक पहुंचने में मुझे केवल एक ही स्टेप यूज करना पड़ रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं अल्फा टेंस टू बीटा, अल्फा कैन बी रिटन एज बीटा। लेकिन अगर मुझे अल्फा स्ट्रिंग से बीटा स्ट्रिंग तक पहुंचने में मोर देन वन स्टेप्स लग रहे हैं, मल्टीपल स्टेप्स लग रहे हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूंगा, इसके ऊपर स्टार लगा दूंगा। तो ये जो स्टार लगाया है, दैट डिनोट्स मल्टीपल स्टेप्स आर टू बी यूज्ड टू रीच फ्रॉम अल्फा टू बीटा। चलिए एक बात तो ये हो गई, इसके नोटेशंस की बात हो गई। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा की। अल्फा जो हमारा इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर है, अल्फा बिलोंग्स टू, मैं लिख सकता हूं सिग्मा यूनियन वी का होल स्टार वी
सिग्मा यूनियन वी का होल स्टार। अब अल्फा के साथ क्या है रिस्ट्रिक्शन क्या है, अल्फा के साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर पोर्शन है उसमें कम से कम एक नॉन टर्मिनल होगा ही होगा। अच्छा, मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था कंटेक्स्ट ग्रामर का, मैंने उसे बताया था आपको कि जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उन्हें हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जिन्हें हम वेरिएबल भी कहते हैं, और वो नॉन टर्मिनल सिंबल को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो टर्मिनल्स है जहाँ पर आकर के चीज़ें फिनिश हो जाती हैं, जहाँ पर जिसके आगे हमें आगे प्रोडक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ता, उन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अब ये जो अल्फा टेंस टू बीटा, ये जो प्रोडक्शन रूल है, इस प्रोडक्शन रूल के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू सिग्मा यूनियन कैपिटल वी, ये यूनियन का साइन है, ये सेट के लिए बात कर रहे हैं हम, इसलिए यूनियन, इसलिए मैंने पैरेंथेसिस यूज किया, ये कैपिटल वी है, ये यूनियन ऑपरेटर है। तो ये आपको पता है कि मैंने लिखा सिग्मा यूनियन कैपिटल वी का एस्ट्रिक, दैट मींस कि सिग्मा क्या है, टर्मिनल सिंबल्स है, कैपिटल वी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। तो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के कॉम्बिनेशन से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग, फिर उसके साथ कंकटनेट क्या किया मैंने कैपिटल वी को, यानी कि कोई एक नॉन टर्मिनल सिंबल, फिर उसके साथ कंकटनेट किया मैंने सिग्मा यूनियन वी का स्ट्रिंग, यानी कि उसके बाद भी कोई भी स्ट्रिंग मैं अप्लाई कर सकता हूं, यानी कि अल्फा एक स्ट्रिंग हो सकती है, और वो स्ट्रिंग क्या हो सकती है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग वो अल्फा हो सकती है। साथ में मैंने क्या किया है, देखिए यहां पर नल इंक्लूड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, यहां भी नल इंक्लूड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने यहां कैपिटल भी जोड़ा है कि अल्फा में कम से कम एक नॉन टर्मिनल सिंबल होना कंपलसरी है टू प्रूव दैट द पर्टिकुलर प्रोडक्शन इज वैलिड। तो वैलिडिटी के लिए अब अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने यार एक प्रोडक्शन लिखा स्मॉल इट टेंस टू नल, तो अब आपसे अगर कोई पूछे इसे रैंडमाइज कि भैया ये बताओ जरा ये प्रोडक्शन हमारा वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो मैं कहूंगा ये प्रोडक्शन हमारा वैलिड नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि अल्फा में कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना कंपलसरी है, इसलिए मैं ऐसे कहता हूं अल्फा बिलोंग्स टू सिग्मा यूनियन वी का होलोस्ट्रिक वी और सिग्मा यूनियन वी का होलोस्ट्रिक, ठीक, यानी कि इस तरफ हमारे पास कोई भी नल चीज नहीं हो सकती है। चलिए एक बात ही हो गई हमारी, रही बात बीटा की, तो बीटा पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि बीटा बिलोंग्स टू सिग्मा यूनियन कैपिटल वी का एस्ट्रिक। बीटा में टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, कैसी भी स्ट्रिंग हो सकती है, नल भी हो सकता है, केवल टर्मिनल भी हो सकते हैं, केवल नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो बीटा के ऊपर, इसलिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप बात करेंगे सर ये अल्फा जो बनाया आपने इससे क्या समझ में आएगा, तो मैं ये कहूंगा कि चॉम्स्की हायरार्की की जो चार ग्रामर है टाइप जीरो से लेकर टाइप थ्री तक, वो सारी ग्रामर जो है वो ग्रामर, क्योंकि प्रोडक्शन रूल किसके अंडर में आता है, प्रोडक्शन रूल ग्रामर के अंडर में आता है, यही प्रोडक्शन रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं जो ग्रामर को इनेबल करती हैं टू जनरेट सम लैंग्वेजेस। तो ये प्रोडक्शन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ग्रामर, इसलिए हम प्रोडक्शन रूल पे इतना एम्फेसिस कर रहे हैं। तो अब ये जो ये चार तरीके की ग्रामर चॉम्स के हायरार्की ने डिजाइन की थी टाइप जीरो से लेकर टाइप थ्री तक, ये चार तरीके की ग्रामर को अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना हो तो वो मैं किस बेसिस पर करूंगा, वो मैं प्रोडक्शन रूल के बेसिस पर ही करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तो ये एक जनरल ग्रामर की बात कर रहा था मैं, अब जैसे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करूं मैं, तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो अल्फा पे रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर ये मैंने जितनी भी बात की वो एक जनरल ग्रामर के प्रोडक्शन रूल के बारे में बात की, मैं बात अब मैं बता रहा हूं आपको कि फॉर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो रिस्ट्रिक्शन है अल्फा पे, एंड दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल वी, यानी कि अल्फा में केवल और केवल नॉन टर्मिनल सिंबल ही होगा, प्लस
केवल एक नॉन टर्मिनल सिंबल ही होगा, वो स्टार्टिंग सिंबल हो सकता है, वो कोई दूसरा सिंबल नॉन टर्मिनल हो सकता है, बट एक से ज्यादा नहीं हो सकते, स्ट्रिंग नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड साइड पे टर्मिनल्स नहीं हो सकते। ये सारी रिस्ट्रिक्शन हमारी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में है, और उन सारी रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई करने के बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये पोर्शन बनाया कि अल्फा जो है दैट शुड बिलोंग टू कैपिटल वी। अल्फा की जगह केवल केवल और केवल एक ही सिंबल होगा और वो नॉन टर्मिनल होगा। तो अब मैं आपसे, जैसे मैंने बताया था एस टेंड्स टू ए एस बी, अब ये मैं पहचान सकता हूँ यार ये यहाँ पर केवल एक ही सिंबल है और वो भी नॉन टर्मिनल है, तो मैं कह सकता हूँ यार ये सी एफ जी का प्रोडक्शन रूल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी बातें हम करेंगे, और भी डिस्कशन हम करेंगे इस कंडक्ट फ्री ग्रामर पर। तो मैं आपको और बता रहा था कि तो सिग्मा के बारे में मैंने आपको बताया है कि सिग्मा हमारा क्या होता है। सिग्मा हमारा जस्ट ये इनपुट अल्फाबेट होते हैं जो हम फाइनल ऑटोमेटा बोलते थे, यहाँ पर हम टर्मिनल सिंबल बोलते हैं। कैपिटल वी हमने बताया आपको वेरिएबल्स होते हैं, और जैसे हम ऑटोमेटा में स्टेट्स यूज करते थे, जैसे हम पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टेट यूज करते हैं, जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टेट यूज करते हैं, वैसे जैसे मशीन मॉडल में हम अगर जनरलाइज फॉर्म में बोलें कि हम जैसे मशीन मॉडल में स्टेट यूज करते हैं ऑटोमेटा में, वैसे ही हम ग्रामर में ये नॉन टर्मिनल यूज करते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम बात करें स्टार्टिंग सिंबल की, यानी ग्रामर, जैसे हम मशीन मॉडल की बात करें कि हम कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग स्टेट से अपनी ऑटोमेटा स्टार्ट करते हैं, और वो स्टार्टिंग स्टेट हमारे ऑटोमेटा में एक ही होती है, यूनिक होती है, एक ही स्टार्टिंग स्टेट होती है। उसी तरीके से रेगुलर ग्रामर में हमारे पास एक ही स्टार्टिंग सिंबल होता है, एक ही स्टार्टिंग वेरिएबल होता है। और लास्ट हमारा प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल एक जनरलाइज फॉर्म में हमने डिस्कस किया कि एक ग्रामर में किस तरीके का प्रोडक्शन रूल होता है, उसके साथ क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं। बीटा पे अगेन यहाँ पे सी एफ जी मैंने जैसे ये बात की थी, अगेन मैं बीटा जो है वो बिलोंग करेगा हमारा सिग्मा यूनियन वी के स्टार को, यहाँ पर बीटा पे यहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का अगर आपको प्रोडक्शन रूल मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं सी एफ जी। चार तरीके की नॉर्म्स ने, नॉर्म्स हायरार्की में चार तरीके की ग्रामर बताई गई, टाइप जीरो से लेकर टाइप थ्री तक, और वो सारी ग्रामर जो है वो हम रेक्टिफाई या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रोडक्शन रूल्स ओनली। और प्रोडक्शन रूल में मैंने आपको बताया कि जनरलाइज फॉर्म में अल्फा शुड बिलोंग टू नल, सॉरी सिग्मा यूनियन वी का एस्ट्रिक वी, फिर अगेन सिग्मा यूनियन वी का एस्ट्रिक। तो अल्फा को जिस तरीके के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि अल्फा में कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना ही होना चाहिए, और बीटा का मैंने आपको बताया है कि बीटा जो है वो सिग्मा यूनियन वी का होल एस्ट्रिक होता है। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में मैंने बताया आपको कि जो अल्फा प्रोडक्शन रूल का जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन होता है अल्फा, एंड दैट शुड बिलोंग टू कैपिटल वी, यानी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ केवल केवल एक ही नॉन टर्मिनल सिंबल होगा। मैंने इस एरो का ही मतलब बताया आपको कि अगर एक सिंगल एरो लगा है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ उसे वो सिंगल स्टेप में वहाँ पहुँच सकते हैं, अगर उसके ऊपर कोई एस्ट्रिक लगा हुआ है इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुँचने में या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड तक पहुँचाने में हमें मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और एलोबरेट करूँगा और कोशिश करूँगा नॉर्म्स के हायरार्की को भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू।